सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है गाइज कि जो है MKPPG कॉलेज देहरादून की PG कोर्सेज़ की मेरिट लिस्ट यहाँ पे कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया, और यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि इस कॉलेज ने सबसे पहले जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाली है। सो यहाँ पे हम एक एक करके सारी मेरिट लिस्ट देखने वाले हैं। कट ऑफ मैं बताऊँगा किस कोर्सेज में कितनी कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MA इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर्स के जो एडमिशन्स हैं, तो MA इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं गाइज, कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई है, ठीक है। तो जनरल ओपन कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है गाइज, यहाँ पे गई है 55.81 जो है जनरल की यहाँ पे कट ऑफ गई है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनी है, यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया है, सब कैटेगरी दिया है, आपके जो है मार्क्स कितने हैं ग्रेजुएशन के, और सब्जेक्ट अगर आपका कोई स्पोर्ट्स, NCC, NSS, फ्रीडम फाइटर कितना है, उसके बाद वेटेज यहाँ पे कितना लगा। तो ये सारा टोटल करने के बाद जो आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेरिट बनी हुई है। OBC ओपन की बात कर लेते हैं। OBC ओपन कैंडिडेट की गाइज यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 51.59 गई है। SC ओपन की बात कर लेते हैं। सो SC ओपन कैंडिडेट की यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो गई है आपका 45.50, ठीक है। मेन मेरिट है यानी कि फर्स्ट मेरिट है। हमने यहाँ पे देखा जनरल ओपन की, ठीक है, जनरल ओपन की हमने यहाँ पे कट ऑफ देखी, SC ओपन की देखी, ठीक है। यहाँ पे ST की जो है सीट्स नहीं है, और जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं यहाँ पे ये मैंने आपको बताई, ठीक है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे ऐड नहीं है, अदर स्टेट वालों का भी यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम देख लेते हैं MA इंग्लिश की, ठीक है। MA इंग्लिश की कट ऑफ मेरिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल ओपन की कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई है। तो जनरल की जो गई है वो 60.14 यहाँ पे कट ऑफ गई है। OBC कैंडिडेट की जो गई है 49.54 यहाँ पे कट ऑफ गई है। SC की जो है 51.29 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है, और ST कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है 55.89 यहाँ पे गई है। नेक्स्ट मेरिट हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, तो ये है अपने पास MA हिंदी का, ठीक है, हिंदी लिटरेचर का। तो MA हिंदी लिटरेचर की सबसे पहले जनरल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल की 47.06 यहाँ पे कट ऑफ गई है, केवल जनरल की यहाँ पे लिस्ट आई है, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने जो है जो जनरल ओपन कैंडिडेट लिखा है ऊपर, लेकिन जो है हो सकता है जो मेरिट है इसमें, जैसे आप देखेंगे कोई OBC अगर यहाँ पे देखें OBC कैंडिडेट का, तो यहाँ पे 47.14 है, ST का जो है 57.81 है, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे इतनी लिस्ट आई है जिस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनी है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं MA पॉलिटिकल साइंस का। तो MA पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो गाइज हम जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल ओपन कैंडिडेट की कट ऑफ। तो यहाँ पे जनरल ओपन की गई है 57.06, और OBC कैंडिडेट की जो बात कर लेते हैं ओपन की 51.46 यहाँ पे कट ऑफ गई है। अदर स्टेट की यहाँ पे आ गई है 65.49 यहाँ पे कट ऑफ। SC ओपन की 43.67 और ST ओपन की 47.11 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेरिट। ओके, पॉलिटिकल साइंस का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट मेरिट यहाँ पे देखिए, ये है आपका MA सोशियोलॉजी का, ठीक है। सो MA सोशियोलॉजी में जनरल ओपन कैंडिडेट की कट ऑफ देख लेते हैं, तो 41.11 यहाँ पे कट ऑफ गई है, बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। MSc केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। MSc केमिस्ट्री में जो है जनरल ओपन की जो गई है 67.04 गई है, OBC ओपन की 60.99, अदर स्टेट की 82.25
और SC ओपन की जो है 54.78, ST ओपन की 60.71 यहाँ पे कट ऑफ गई है। ठीक है, बाकी मेरिट देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का हमने देख लिया, ठीक है, और इसके बाद आता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का यहाँ पे देख लेते हैं, साइकोलॉजी में जो है जो कट ऑफ गई है वो 59 यहाँ पे कट ऑफ गई है। ठीक है, तो साइकोलॉजी में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है गाइस, 59 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है। ठीक है, बाकी जो है पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बता दिया है, 1, 2, 3, 4 पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बता दिया है कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर का मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडमिशन जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जाना है कॉलेज में। 22 से 25 नवंबर की इन्होंने डेट दे रखी है, 25 नवंबर 2 बजे तक आप अपना एडमिशन्स ले सकते हैं। कॉलेज जाके आपको एडमिशन्स लेना होगा, ऑफलाइन आपको एडमिशन्स लेना होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, तो इसमें आपके जो जनरली ले जाते हैं आप 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के जितने भी आपके हैं तीनों ईयर के, और बाकी आपका अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट भी, माइग्रेशन भी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है डायरेक्ट वहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया गाइज, आप वहाँ पे मैसेज कर लेना। ठीक है, बाकी कोई अगर हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। बाकी जो है मेरिट, सभी मेरिट का लिंक, PDF लिंक दे दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।